नमस्कार न्यूज रूम लाइव सहित मु निवेदिता दशबंधु आज आम टॉपिक रखछंती न्यूज रूम लाइव रे आलोचना करबा आज शीत दिने पानी मिलुनी आपण देखिथिबे जे विशेष करी खरा दिने पानी समस्या देखा जिबा स्वाभाविक काहेकि ना आपण देखंतु सरांचल ठरो आरंभ करी ग्रामांचल पर्यंत सबुटी समस्या देखबा को मिले किंतु सबुटो विडंबनार विषय जे शीत दिने पानी समस्या एकथा आमे कहनु ए समस्या को नै वर्तमान लोके रास्ता को लाइछंती अभिनव ढंग रे प्रतिवाद करछंती छोटो ठरो आरंभ करी बडंक पर्यंत समस्त गरम बाथिया प्रतिवाद कहउछंती दुई दुईटी स्थानरु अभिजोग आसुचि काहेकि ना जो कथा कुनी आमे आलोचना करबा आम सहित धामनगर मध्ये हम प्रतिनिधि जोडी हेबे भद्रक धामनगर रु चित्र सामना को आसुचि गंजाम आसिकारु चित्र सामना को आसुचि तबे बडो कथा आउछि जे जेते बडे राज्य सरकार कहउछंती जे प्रति घरे घरे विशुद्ध पानीय जल जोगाइ दिया जइबो ये प्रतिश्रुति राज्य सरकार देथिले पंचायत राज मंत्री देथिले किंतु ए पर्यंत काहे कि विशुद्ध पानीय जल पहुंचिल परिलानी काहे कि ना प्रति गाँ गाँ रे चित्र देखा मिलूँ माँ मौसी मैंने गाँ दाण्ड में गरा बाल्टी धरी जाउछंती दीर्घ किलोमीटर रास्ता चलिके जाउछंती बण जंगल दे अतिक्रम करी जाउछंती तबे बड़ प्रश्न आसुची कहीं आज पर्यंत विशुद्ध पानीय जल मुदाय सरकार पहुंचाई पारे वसुधा योजना करागला ओभर टांकी निर्माण करागला किंतु ए वसुधा योजना वर्तमान असुविधार कारण पलटे जदि भी प्रकल्प टे निर्माण होइछे किंतु पानी आसुनी दीर्घ दुई मास जदि से कार्यकारी होइछे पुणी खराब हो पड़ चुकी तार मरामति हो पार नहीं ये तमाम चित्र वर्तमान समय रे सामना को आसुची आ सबटो विडंबनार विषय होउची जे शीत दिने पानी मिलुनी खरा दिन कथा छाडंतु शीत दिने आ ए अभिजोग केवल गोटे दुईटी स्थान रु नुहे राज्यर अधिकांश अंचल रु ए अभिजोग आसुची तबे प्रथम रु आपण जानिथिबे राज्य सरकार को डेडलाइन थिला 2021 सुधा सब घरे घरे पानीय जल पहुंचबा परवर्ती समय रे ए डेडलाइन खुंचिला 2024 अर्थात 2024 सुधा प्रति घरे घरे पानीय जल पहुंचे किंतु 2021 सरवाक बसला 2022 आसवाक किंतु ए पर्यंत केते अंचल रे पानी पहुंची ता सबठू विडंबनार विषय बहु तेणु विधानसभा रे प्रश्न पचरा जाइला आम डाटा किसी रखा चाहिए आप निकट में आम आज आलोचना करवा दुईट स्थान चित्र विशेषकर आम आज आलोचना को नहीं गोटे हूँ भद्रक धामनगर कथा आम देखा अंपटे आम देखा गंजाम आसिकार चित्र जे कौ भाव सेठे पापाई समस्या देखा जाऊँगी वसुधा योजन जो ओभर टांकी निर्माण करा कम को नहीं अधिकांश लोके चुआ उपर निर्भर करशुद्ध पानी जल पी अनेक समय विभिन्न रोग में पड़ुंच चित्रना को आसी तेज एथपाई दायी के कौन पंचायतराज मंत्री जो उत्तर रखी विधानसभा से उत्तर उपर आम टे नजर पकड़ा जो कथ प्रश्न पचरा जाता जे 2024 सुधा प्रति घरे घरे पानीय जल प्रकल्प द्वारा पानी पहुंचे एक प्रतिश्रुति खोज पंचायतराज मंत्री तथा पानीय जल मंत्री प्रताप जेना एक तेरे प्रकृत में ए दिगरे केते कार्य चली विशेषकर 2024 आउ मात्र हाथ में दुई वर्ष कह जाए कहीं 2022 होगाक बसला मात्र दुई वर्ष रहा कि केते दूर कार्यकारी हो कहीं राज्यर तमाम अंचल चित्र सामना को आसुची सब भितर आम जब देखा किसी डाटा रखा चाहे जे निवे आप जानवा आवश्यकता रही पंचायतराज मंत्री जो कथा विधानसभा कही राज्य में मोट 6798 ग्राम पंचायत अधीन 47401 ग्राम रही अर्थात 47401 गाँ रही मध्यरु पंचायत 30530 गोटे ग्राम को उभय पाइप जोगे नलकूप मध्यम पानीय जल जोगाइ दिया जाउछि एक कथा थिला पंचायतराज मंत्री को उत्तर एवं राज्यर पाखापाखी 83 लक्ष 6149 कोटी परिवार मध्यरु पाखापाखी 15 लक्ष 14711 कोटी आपण अनुमान करंतु 83 लक्ष 6194 कोटी परिवार मध्यरु मात्र अर्थात 15 लक्ष 14711 गोटी परिवार को पानीय जल पहुंची बाकी कुआडे गला यद्वारा पाखापाखी 2 कोटी हिताधिकारी उपकृत होती जहाँकि 100 रु 54.54% तेणु अधा कह जाए तेज आउ बाकी अधा को कहीं पानीय जल पहुंची पार्लानी प्रकृत में यह समस्या कहीं उपजुच्छ कौटी लाकुना रही जाऊँगी अधिक आलोचना करवा विश्वजित पल्लाई आम धामनगर प्रतिनिधि आम सहित अच्छा सदासख ग्राउंड जीरो स्थित देखा लोके कौन कहते लोक जो उपकृत हो सरकार कहते खोज पंचायतराज मंत्री प्रताप जेना एक कहते कि लोक कहीं समस्या भोगुंट विश्वजित जीवाक चाहिए जो डाटा आम देखुले विशेषकर पंचायतराज मंत्री कहते जी पानीय जल जोगाई दि जाऊँगी तार पाखापाखि 54.5% लोक जल पाँच ये 54 भितर 54.5% भितर कौन धामनगरवासी जाऊना
ये समस्या केते दिन रो और सब विडंबनार विषय शीत दिन भी पानी समस्या हाँ निहाती भाव में देखते निवेदिता जदि कहीपर जो समस्या जो पानी समस्या यह धामनगर अंचल विशेषकर जदि कहीपर जो नदीकूलिया अंचल गुड़िक रही वर्तमान शीत दिन में से माने पानी ठीक से पा ना ये खाली आज नुहे का नुहे प्राय 4-5 वर्ष हो गला योजना तो होती विभिन्न जो रही वसुधा योजन जो प्रकल्प तो करूँ लोकों पाखे आज पर्यटन पा पहुँची पारना जहाँ को नहीं लोक जो नदी रही जो पुराणा नलकूप रही जी कहीपर जो पुराणा ट्यूबवेल गुड़िक रही लोक निर्भर करवहार कर सब बड़ कथा हूँ जो रही ट्यूबवेल गुड़िक पुराणा जो रही ट्यूबवेल गुड़िक तार आईरन भाग के परीक्षा करूँ से पा आज साधारण लोक मैंने धामनगर अंचल बासी मैंने व्यवहार करुँच यह हूँ वर्तमान मुख्यतः समस्या जी गोटे कथा कहीपर जो नदी उपर जो राज्य सरकार वसुधा योजना मध्यम लोक शुद्ध पा जोगे कहला बेले कि विशुद्ध पा जहाँ देखा मिलूँ नदी पा व्यवहार करपटे नलकूप गुड़िक जो रही नलकूप नई पा का लोक मैंने व्यवहार कर खाली खाली व्यवहार करूना गाधौ ना जी कहीपर से ही पा भात हाँ ठार आरंभ करी जिते बड़े खावा खावाकू जा पीऊँ जहाँ को ले लोक मैंने कौटना कौटी ये जो विशुद्ध जल पा पीऊँ विभिन्न रोग कौटिना कौटी पड़ुं कितु ये गोटे कथा प्रश्न उठू धामनगर प्रशासन कौन कर निश्चित भाव कह जल जोगान विभाग को आम एने जोजोग कर गत काली किंतु तांकर सेटिकार जो जल जोगान ऑफिस रे उपस्थित नथिवारु आमे देखि पडछु आपन सहित स्थानीय लोक अछंती आपनको पछपटे ओवरहेड टांकी मध्ये निर्माण करा जायछि जे लोकक रिएक्शन दियंतु जे खरा दिन कथा छाडी दियंतु शीत दिन काहे के समस्या उपजुछि एमति केते अंचल रहिछि केते लोक पानी न पाई प्रभावित होछंती लोकक रिएक्शन दियंतु विश्वजीत हाँ निहाती भाव में लोकों तो प्रतिक्रिया ना आम पाखर रही जहाँ से वर्तमान कहते आज्ञा कौन कहे आप अंचल ये प्रकल्प होते दिन है पानी शोध पाँच कि ना देखु ओडिशा जो राज्य सरकार खाली प्रकल्प पर प्रकल्प या गोटे वसुधा योजना आम मुस्ताकपुर पंचायत एक नंबर वार्ड गोटे प्रकल्प करा नामक मात्र 8-10 दिन लोक मानते सुरखुरी पा पहुँची किंतु वर्तमान किसी दिन हम तीन मस पखापाखिगला लोक मानते पा पहुँची पारना जहाँफल कि लोक बहुत दुख दुर्दशार समय बीतौंती आम जिते प्रशासन को जल जोगान विभाग जिते जनइले भी यार कि कर्णपात करूना जहाँफल भी आम दुख दुखर दिन काटुचु आउ जो व्यक्ति अच्छा सहित आलोचना करेंगे आज्ञा कौन कहे ये जो पा प्रकल्प होती आप शुद्ध पा पहुँचुना कौ पा व्यवहार कर प्रकल्प होार निजुक्ति ना कि ना खाली लोक घर पाखे पाइप गोटे गोटे छाड़ कौन ना आम पा दौ मसे खंड पा लोक पाई आोटाल पा लोक पा ना कोटि कोटी टकर प्रकल्प सरकार करदे तार कौन रक्षणाबेक्षण भी ये ना लोक मैंने बहुत हईराण अवस्था हो पाइप देखिक दिन काटुच्च कौन करेंगे सरकार तो पाइप देखार टाइम आज निहाती भाव में निवेदिता देखिपार थे जन केमती प्रतिक्रिया रखुले केवल गाँ को जो घर पाखक पाइप बिछाई कि पहुँचुना जहाँ को नहीं लोक मैंने कौटना कौटी प्रतिदिन असुविधार सम्मुखीन होती नदी ना जो गाँ पोखरी रही पुराणा जो नलकूप रही यापर व्यवहार करवेदिता विश्वजीत जे जो कथा से कहते स्थानीय लोक कहते जे वसुधा योजन पानी जल प्रकल्प निर्माण करा जाई छी जे प्रकृत में ये प्रकल्प उपरे पाखापाखि केते अंचल लोके निर्भर करती एवं जिते बड़े अचल हो पड़ी विशेषकर राज्य सरकार कहते जे केमती समस्ते विशुद्ध पानी जल पाइबे एवं विशेषकर खोद पंचायतराज मंत्री प्रताप जेना जिते बड़े विधानसभा उत्तर रखुच्च से 2024 रही शेष टार्गेट 2024 सुधा आहार अभोग आसबनी जे पा मिलू शीत दिन समस्या देखा जाउची जा बोधे राज्य सरकार को पाई गोटे बड़ चैलेंज रहा शीत दिन भी ये समस्या देखा जाउची विश्व जे जानिबा को चाहिबे केते अंचलवासी रही सेठारे जो माने कि ए पानी जल प्रकल्प पर निर्भर कर चलती जिते अचल हो पड़ी एने कोटे अभियोग से कहीं से समस्या दूर करने ही पानी जल प्रकल्प निर्माण कर।
हाँ निहाती भाव में लोक मैंने बारंबार अभियोग कर सत किंतु यह सुफल मिलना जदि कहीपर धामनगर अंचल मुस्ताकपुर पंचायत होपटर पदानी हो अर्जुनपुर हो खड़ीपदा हो आंदपुर बमकुरा प्राय आठटी पंचायत जो रही नदीकूलिया जो गेंगुटी आचिड़ा मद्यस्थल रही बैतरणी स्थल कि ग्राम रही जो मानकर यो बड़ बड़ प्रकल्प हो टैंकर कोटि कोटि टंकार किंतु पा आज पर्यटन पहुँच पार नहीं खाली एतिक नुहे आम बर्तमान जो जगार रही ये हूँ मुस्ताकपुर पंचायत एटी प्राय जो वार्ड रही दुईटी रू तीन टा वार्ड बर्तमान ये निर्भर करती आई पा टैंकर गोटे कलेज को जो धामनगर महाविद्यालय रही सेठाकूँ पहुँचापी व्यवस्था रही किंतु ये टैंकर मात्र आठ दिन चली कि ठप हो पड़ी जहाँ बर्तमान पर अभियोग करते आकुक नहीं कि जल जोगाण अफिस् वसुधा योजना कम्प्लेन जनाऊंट कि कौन सुफल मिलूना निवेदिता निहाती भाव में कौनसी सुफल मिलूना किंतु चिंताजनक कथा होची जे खरा दिन कथा छाड़ू शीत दिन भी समस्या देखा जो लोकों मध्य असंतोष देखा मिली विश्वजित लोकों रिएक्शन नि लोके पाखे अच्छा से कौन कहते जे ये वसुधा योजना भेड़ी प्रकृत में ये लोकों प्रति सरकार आंतरिकता रही लोकों समस्या केमती न आसु लोके सुविधा पा पाई जो वसुधा योजना निर्माण करना केवल काले विरोधी प्रश्न सरकार को करिबे जोति पई ये केवल एक भेलिकी हाँ निहाती भाव में आम पाखे आज रही से भाई जनक आज्ञा कौन कहे आप प्रकल्प आपण किंतु आज पा पाई पारना आगामी दिन सरकार को किभली जवाब देवे सरकार को आम पाखे भी आउ अन्य विकल्प किसी ना आम कौन कर देखो सरकार ये हजार हजार कोटी टंका खर्च कर गोटे वसुधा प्रकल्प तैयारी करकृत किंतु मात्र आठ रु दस दिन पर्यंत लोक मान पाखे सुरखुरी पा पहुँची पारी वर्तमान तीन मस हो गला कि अढ़े मस हो गला लोक मैंने जमी आगुरी दुख दुर्दशार दिन काटुते सेमती दिन काटुचार यही पानी उपरे अनेक तीनोटी वार्ड चारोटी वार्ड लोक निर्भर करती बहुत बार कह फल भी किसी से मैंने काम करूना ये भी गोटे जिनस या वसुधा प्रकल्प ये क्या निजुक्ति भी कराई टाइम रे जो आठ दस दिन पा चली टाइमली लोक मैंने पाई ना निहाती भाव में निवेदिता देखुले जो मैंने लोक रही साधारण युवक रही अभियोग ठीक समय रे पा पहुँची पारना जहाँफल से नदी नाल निर्भर करने कम्प्लेन दौरान किंतु कौन सुफल मिल पारना निवेदिता निहाती भाव में अभियोग किंतु कौनसी सुफल मिलूनी जहाँ को नहीं चिंता करा जाउछी विश्वजित अच्छा आम धामनगर प्रतिनिधि आलोचना करछंती तबे वर्तमान समय जहाँ खबर आसी पहुँचुची मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वर्चुअल माध्यम रे जो मैंने विजु स्वास्थ्य कार्ड धारी रही उपकृत होती से हिताधिकारी सहित वर्चुअल माध्यम आलोचना कर रक्षा कवच एवं सुरक्षा कवच साजिश महिला तथा नारी मान स्वास्थ्य को गुरुत्व दे सेमानक पई स्वास्थ्य बीमा राशि को दुई गुण अर्थात दस लक्ष टका करा जायछि जहाँ कि माननीय मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण पई आउ एक अंगीकारबद्धता एभली एक स्वास्थ्य बीमा योजना खाली भारत रे जे अनन्य नुए ता नुए कौनसी विकासशील राष्ट्र मध्य एते बड़ आकार रे सेमानक नागरिकक पई स्वास्थ्य बीमा कार्यकारी करे नाथ एहा प्रायतः यूनिवर्सल कवरेज कहले अत्युक्ति हम ना आज राज्य कौन सी रोगाक्रांत व्यक्ति अर्थाभाव भाग्य को आदरी सुस्थ होगापी आशाबांधी रोना बर से मध्य आज विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना अंतर्गत निःशुल्क गुणात्मक चिकित्सा पाइबार दृढ़ विश्वास जाग्रत हो सुदूर मलकानगिरी जिलूर आरंभ हो प्रगतिर रथ विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रथ जाजपुर जिले में समाप्त हो अर्थात राज्य समस्त योग्य हिताधिकारी को विजु स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड प्राय जोगाई दि सारी परिप्रेक्षी में मुझे गोटे पद कह एथर एक विशाल कार्यक्रम संभव हो गवर्नेंस रे 5T रो प्रयोग जो माननीय मुख्यमंत्री युगोपयोगी रूपातरण कार्यक्रम मूलमंत्र होची स्पीड स्केल एंड क्वालिटी अर्थात सबु लोकाभिमुखी कार्यक्रम बहुत शीघ्र गुणमान बजाय रखी अधिक रु अधिक लोकों पाखे पहुँचवा दरकार आज यह आज पर स्कूल रूपांतरण होवा स्वास्थ्य सेवा अथवा जीवन जीविका कार्यक्रम हो सबुठ परिप्रकाश होते आम कोरोना दाऊ उधुरी
ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଧାରାକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲୁ, ଆଜି ଓମିକ୍ରମ ନାମକ କରୋନା ଆଉ ଏକ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୂର୍ବପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗରିବ ମୂଲିଆ ଖଟିକିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ସବୁ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏହିସବୁ ପରିବାରକୁ ପୁଣି ଥରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରକମଳରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବିପଦ ଆପଦ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଓ ଯତ୍ନଶୀଳ ମୁରବୀ ପରି ଆମ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟର 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ହୃଦୟର ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଇଠାରେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିରାପତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ନଗଦ ରାଶି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ସମୟରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ସଦାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁମାନେ BSKY କାର୍ଡଧାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସଦାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଫେରିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶୀତଦିନେ ପାଣି ସମସ୍ୟା, ବିଶେଷ କରି ଶୀତଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି, ଇଏ ନିହାତି ଭାବେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଖରାଦିନ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଶୀତଦିନେ ବି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପାଇଁ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଉତ୍ତରରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ 2024 ରହିଛି ଟାର୍ଗେଟ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଯେତେବେଳେ 54% ଅର୍ଥାତ 54.5% ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିଛି, ବାକି ଗାଁକୁ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ? ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ରହିଲା କୁହାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷରେ ଏ 54% ପୂରଣ ହେବ ତ? କାହିଁକି ନା ଖରାଦିନ କଥା ତ ଅଲଗା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶୀତଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି, ଇଏ ନିହାତି ଚିନ୍ତାଜନକ। କିଛି ଡାଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆମେ 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ କଥା କୁହାଯାଉ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଭଦ୍ରକ କଥା କୁହାଯାଉ, ଏ 2ଟି ସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ନାକୁ ମାତ୍ର ଓଭରରେ ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ କେମିତି ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବ, ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ, ଏ କଥା ସରକାର କହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ରୂପ କ'ଣ, ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଲୋକେ କେତେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯେ ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, କିଏ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛି, କିଏ ହିଡ଼ ଦେଇ ଯାଉଛି, ଏମିତି ତମାମ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି ବାବଦରେ ନେଇ ଯାଉ ସିଧାସଳଖ ପାରିଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ ସଫଳ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଆମର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି ମୋ ସରକାରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କୋଭିଡ୍ର ପ୍ରଭାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ରାଜ୍ୟର 96 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଏଥିରେ ଉପକାର ପାଇବେ। ରାଜ୍ୟର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବେନିଫିସରୀ ସମସ୍ତେ ଏହି ସହାୟତା ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ 960 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏବେ କୋଭିଡ୍ର
ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଅନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦରକାର ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିପାରିଛୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। तबे आपण माने सदासोक सुनुथले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो मन रहिसंती पीडीएस हिताधिकारी तांको जीविका सहायता जा घोषणा करथले आपण वर्चुअल माध्यम रे सदासोक देखि पडथले। तबे पुरथरे आमे सेई प्रसंग को फेरिबा, शीत दिने पानी समस्या लगातार भाबे आबो प्रतिनिधि विश्वजीत पलाई आमे सहित धामनगर अछंती। विश्वजीत टिके डाटा म आपणक निकट रखबा को चाहिबी जे विशेष कर जेतु भद्रक जिला मध्ये धामनगर जाउची, भद्रक जिलार पाका पाकी 1226 टोटल गां रहिछि, जोंथारे की 468 गाँव को मात्र पानीय जल पहुँची, या तो विड़म्बनार विषय किसी नही थी पारे। तबे विश्वजीत आम आपण पछपटे देखिपु बे चकाचक ओभरहेड पानी टांकी रही, ये गोटे ना एमती से अंचल केतोटी पानीय जल सुविधा पाई एमती पानी टांकी निर्माण करतोटी वर्तमान समय कार्यकारी होतोटी अचल हो पड़ी। निहाती भाव में निवेदन देखु धामनगर खाली नुहे, तिहिड़ी कथा जी कहीपर से यही प्रॉब्लम जी कहीपर धामनगर जो तलिया अंचल रही सेठे जी कहीपर शुद्ध पा मिले ना सब कौटि ना कौटि जेहेतु से लुण पा मिलवाक मिलता है। तेरे सरकार तरफ यह प्रकल्प बड़ बड़ ठिया सत विभिन्न पंचायत दुई रु तीन टी कर सत प्रकल्प कितु आज पर्यंत यह कार्यकारी हो पारिना। जी कहीपर धामनगर प्राय निहाती भाव प्राय 40-50 टांकी एमती होईची किंतु आज पर्यंत यह कार्यक्षम हो पारि नाही। निवेदिता निहत भाव में 40-50 टांकी रही किंतु कार्यक्रम हो पारना एवं जो ये एक स्थिति उपजुची। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत पलाई धामनगर प्रतिनिधि आम सहित सदासक जोड़े जो कथ आम कहूँ जो पुणि थे से ही डाटा उपये नजर पकाइबा जे राज्य सरकार जो कथा कहते जे प्रति घरे घरे पानी जल पहुँचव किंतु ये कथा केते बास्तव रूप नहींपटे जो भाई भाव अभोग आसुच्चे लोके कहते जे आम पाखे पानी जल पहुँचुनी, खरा दिन आम यही समस्या भोगुचु, बर्षा दिन भी सही समस्या भोगुचु, शीत दिन भी सही समस्या भोगुचु। तबे जदि प्रति वर्ष चाषी जो मैंने रही हिताधिकारी से समस्या भोगे तबे प्रकृत में पा क्या जगह दि जाऊँगी कहीं जो रिपोर्ट कथा कह विधानसभा उत्तर जो कथा पंचायतराज मंत्री तथा पानी जल मंत्री प्रताप जेना जो उत्तर रखिंट राज्य में मोट 6798 पंचायत मध्य 47,411 ग्राम रही जोटे कि पाखापाखि 30,530 कोटी गाँव को पाइप जोगे पानी जल पहुँची। तेज बाकी गाँव को केवे पहुँच 2024 डेडलाइन रही तेज आमको अपेक्षा करने को पड़ो जो प्रकृत में 2024 सुधा ये टार्गेट फिलअप होना ना जो बाकी अधा प्रतिशत गाँव को एजाए पानी जल पहुँची। सहरांचल कथा छाड़ू ग्रामांचल को आलोचना को जदि निजाए के पानी जल समस्या दूर हो मंत्री प्रताप जेना जो उत्तर रखिंट 2024 भितर सब टार्गेट पूरण हो प्रति घरे घरे पानी जल पहुँचव एक केते दूर कार्यकारी होची ता उपरे मध्य नजर रहिबो। बहुत बहुत धन्यवाद जणैबी विश्वजीत पलाई आम धामनगर प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी बाबद आलोचना करते समय सरी न्यूज रूम लाइव को विदाय दिंतु। नमस्कार।